हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लार। लार हमारे मुंह में कैसे बनती है, कैसे कहाँ से आती है, लार की कितनी मात्रा हमारे मुंह में पाई जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पूरे दिन में हमारा मुंह लगभग 1 से 1.5 लीटर लार बनाता है, ठीक है। और ये जो लार बनती है ये कहाँ बनती है, हमारे मुँह में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक है पैरोटिड या कर्णमूल ग्रंथि, जो कर्ण पल्लवों के नीचे पाई जाती है, ठीक है। दूसरी कौन सी है, दूसरी है अधोहनु या जिसे हम क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी ग्रंथि। ये जो हमारा निचला जबड़ा है, निचले जबड़े के पीछे क्या पाई जाती है, सब मैक्सिलरी या अधोहनु ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि है अधोजिह्वा या सब लिंगुअल ग्रंथि, जो जीभ के नीचे पाई जाती है। अब हम पहले आते हैं, कौन सी है, पैरोटिड या कर्णमूल ग्रंथि। ये ग्रंथि तीनों में से सबसे बड़ी है, ठीक है। और यहीं से किसका स्राव होता है, किसका स्रावण होता है, टालिन एंजाइम का। टालिन एंजाइम क्या करता है, ये हमारे मुंह में जो मंड होता है उसको शर्करा में बदलने का काम करता है। जैसे जब आप रोटी के निवाले को, एक निवाले को या एक टुकड़े को बहुत देर तक चबाते हो, बहुत देर मतलब अगर आप 2 से 3 मिनट भी लगातार चबाते हो तो वो उसका स्वाद बिल्कुल मीठा मीठा सा लगने लगता है। तो इसी वजह से, क्योंकि उसमें जो मंड उपस्थित है वो टालिन एंजाइम में किस में बदल दिया, उसको शर्करा में बदल दिया, इसीलिए उसका स्वाद कैसा हो गया, मीठा, ठीक है। दूसरा, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये इसका जो स्राव होता है, जैसे यहाँ से इसने टालिन एंजाइम निकाला, स्राव निकाला, और ये हमारे मुख गुहा में कैसे पहुँचता है, तो इसके लिए एक नलिका वहाँ पे जुड़ी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन की नलिका। ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी जो ग्रंथि है सब मैक्सिलरी, जो कहाँ पाई जाती है, निचले जबड़े के पीछे। तो ये अपना स्राव किस नलिका के द्वारा खुलती है, वेरेनस की नलिका के द्वारा मुख गुहा में खुलती है, ठीक है। और तीसरी जो ग्रंथि है, जिसे हम बोलते हैं अधोहनु या बाइलिंगुअल, वो सब लिंगुअल, ठीक है। तो सब लिंगुअल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, जीभ के नीचे पाई जाती है, ठीक है। और ये तीनों ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि है, कौन सी, सब लिंगुअल या जिसे हम क्या बोलते हैं, अधोजिह्वा, ठीक है। ये ग्रंथि अपना स्राव किसके द्वारा छोड़ती है, कौन सी नलिका के द्वारा, रेविनस की नलिका के द्वारा मुख गुहा में छोड़ती है। जो हमारे मुंह में श्लेष्म पाया जाता है वो क्या करता है, भोजन को चिकना बनाता है। और टालिन एंजाइम जो कि पैरोटिड ग्रंथि से स्रावित होता है, ये क्या करता है, भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदलने का काम करता है। ये आई होप ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और ये जो टॉपिक है ना, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, नलिका कौन सी है जिसके द्वारा स्राव आता है, एंजाइम का वर्क क्या है, ठीक है। आई होप मैं आपको समझाने में सफल हो पाई होंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।